नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी कुंडली और मैं हूं आपके साथ गुलदेश। आपकी कुंडली में हम बात करते हैं आपके आने वाले हफ्ते के बारे में। देखिए, मुश्किल समय में धैर्य रखना और खुशहाल समय में संयम रखना, यही है कुंजी खुशहाल जीवन की। तो चलिए इसी नोट के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, देव शंकर शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी कार्यक्रम में। आचार्य जी, हम राशिवार तरीके से तो सब कुछ जानेंगे आपसे 12 राशियों के बारे में, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर सभी जातकों को अपने ग्रह मजबूत रखने हैं तो उनको क्या करना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जो देखिए देश दुनिया में बहुत सारे इस संसार के अंदर में ऐसे कई तरह के जो है व्याधि प्राप्त होती है, जिसके कारण लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, देखिए संवत बदला है तो इस समय ग्रहों का भी तालमेल कई तरह के बदले हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने ग्रह को मजबूत करना चाहते हो और ग्रह अगर आपका कमज़ोर है, तो मैं जातकों को ये कहना चाहूँगा, जो बहुत अच्छी बात है और बड़ा बहुत ही सरल है, जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। देखिए नौकरी में, व्यवसाय में बहुत तरह के चीज़ है जिसमें भाई समय देना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा समय उसमें से निकाल करके अगर आप भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं, शिवलिंग पे जा करके, शिव परिवार पे जा करके अगर आप जल चढ़ाते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो अगर राहु की महादशा चल रहा हो या केतु की महादशा चल रहा हो या अंतर में कोई भी ग्रह हो या शनि की महादशा चल रहा हो या शनि की और भी ढैया हो या सारिशती हो, कोई भी ग्रह का ऐसे प्रभाव हो या बहुत दिनों से किसी न किसी परिवार के अंदर में कोई दिक्कत या परेशानी चल रही हो या नौकरी व्यवसाय के अंदर में कोई दिक्कत या कोई परेशानी चल रही हो या विवाह के, देख लीजिए कई बार क्या होता है, जो समय हो गया है, सब कुछ है, लेकिन विवाह में समस्या चल रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा, इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत छोटा सा सरल सा उपाय कहना चाहूँगा, अगर आप भगवान शिव की, शिव परिवार पे अगर आप जल चढ़ाते हैं, भगवान शिव की आप पूजन करते हैं, शिव जी की पूजा पाठ करने से आपकी राहु केतु शनि कोई भी ऐसा ग्रह कूर है या खराब है, तो मैं ये कहना चाहूँगा जो उसमें बहुत आराम मिलेगा आपको, और भगवान शिव की पूजन करने से बहुत दिनों से जो परेशानी आपकी चल रही थी वो परेशानी निश्चित तौर पे दूर हो जाएगा। और देखिए भगवान शिव की पूजा पाठ करने से गृहस्थी के अंदर में भी बहुत मजबूती रहती है। भगवान शिव की पूजा पाठ करने से किसी भी प्रकार की कोई ग्रह आप पे प्रभावशाली नहीं बनेगा, आपका मन बहुत शांत रहेगा, काम धंधे में भी आपका मन बहुत लगेगा। और भगवान देखिए शिव जो है, शिव ही प्रारंभ है और शिव ही अंत है, तो भगवान शिव की पूजा पाठ करने से विशेष तौर पे जातकों को बहुत लाभ मिलता है। और भगवान शिव नौ ग्रहों का गुरु है, मैं कई बार कह चुका हूँ, जो अगर गुरु की सेवा करते हैं, भगवान शिव की पूजन करते हैं या भगवान शिव की पूजा पाठ और जल अर्पित करते हैं, तो निश्चित तौर पे एक अच्छी सफलता मिलती है, ग्रहों में बहुत तरह के शांति मिलती है। और मैं ये जातकों को कहना चाहूँगा, जो मान लीजिए जैसे कि बहुत दिनों से कोई बहुत तरह की समस्याएँ चल रही थी, तो शनिवार के दिन या वीरवार के दिन थोड़ा सा जल में हल्दी मिला करके अगर शिवलिंग पे आप चढ़ाते हैं, तो अगर गुरु आपके शत्रु राशि में बैठा हुआ था या गुरु खराब चल रहा है, तो आपको लाभ मिलेगा और आपके वैवाहिक जीवन में भी एक अच्छी सफलता मिलेगी आपको, और जो काम अटका हुआ था वो काम आपका सिद्ध होगा। ऐसे नियति को बना करके चलिए और भगवान में थोड़ा सा जो है सो समय निकाल करके उनका नाम लीजिए, तो मैं कहना चाहूँगा आप पे कोई भी ग्रह अधिक प्रभाव नहीं डालेगा और आपके ग्रह मजबूत रहेंगे और आपके समय भी बहुत अच्छे बीतेंगे। जी चलिए आचार्य जी आगे चलते हैं, राशिवार तरीके से जानेंगे कि ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। सबसे पहले नंबर आएगा मेष राशि का। इस राशि के जातकों के लिए आप क्या कहेंगे, ये हफ्ता उनके लिए कैसा रहने वाला है? जी मैं ये कहना चाहूँगा, 29 अप्रैल से 5 मई तक का सप्ताह अच्छा रहेगा,
सप्ताह के प्रारंभिक दो दिन आपके लिए खास है। मेष राशि वालों के लिए धन का लाभ मान सम्मान में वृद्धि के योग बने हुए हैं। इसी के साथ आपके शत्रु जो है वो थोड़ा प्रबल होंगे, लेकिन आपको अपने आप पे विशेष तौर पे ध्यान करके ध्यान रखना है और उनसे बात करते समय देखिए कौन मित्र है और कौन शत्रु है, मैंने अभी आपको बताया है, तो बात करते समय विशेष तौर पे आप ध्यान रखिए जिससे कि आपके शत्रु आप पे प्रबल ना हो और आपका समय अच्छा बीते। तो मैं मेष राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, देखिए प्रारंभिक आपका समय बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा चल रहा है, आप अपने आप को विशेष तौर पे आप ध्यान रखिए, तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर भी मैं मेष राशि वाले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इस सप्ताह के अंदर में अगर और अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, कोई उपाय करना चाहते हैं, तो बजरंग बली की पूजा पाठ करिए। बजरंग बली पे जैसे बेसन के लड्डू होती है, बूंदी के दाने होते हैं, अगर आप बजरंग बली पे बूंदी के दाने आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन अगर आप चढ़ाते हैं तो मेष राशि वाले आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा आपके लिए जो है ये समय बीतेगा, ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जी। चलिए हमने मेष राशि की बात कर ली है, आगे बढ़ेंगे बात करेंगे वृषभ राशि। तो आचार्य जी जानना चाहेंगे आपसे, जो वृषभ राशि के जातक हैं क्या उनके बिगड़े हुए काम इस बार इस हफ्ते बन पाएंगे? मैं ये कहना चाहूँगा ये सप्ताह वृषभ राशि वाले के लिए आपके लिए मंगलकारी रहेगा, परिणाम के अनुकूल और आपका लाभ का समय जो है सो प्राप्त हो रहा है। नए लोगों से मेलजोल होंगे, आपका व्यापार में आपको उन्नति मिलेगी, नौकरी में आपकी तरक्की है वृषभ राशि वाले, और परिवार के अंदर में भी बहुत खुशहाली महसूस होगी। परिवार के साथ अगर आप अच्छे समय अगर व्यतीत करते हैं वृषभ राशि वाले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी अपने आप को अगर आप इस सप्ताह मजबूत करना चाहते हैं तो मंगलवार और शनिवार को लाल फल का दान करें, आपके लिए वृषभ राशि वाले आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाल फल दान करने से क्या होगा, जो आपके आय के साधन मजबूत होंगे और आपके मन का जो संतुलन है वो बहुत अच्छा बना रहेगा और बहुत तरह के जो है सो आपको तरक्की दिखेगी, उन्नति दिखेगी। तो आप लाल फल को दान करिए वृषभ राशि वाले, ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मन की शांति की बात आचार्य जी बार बार कर रहे हैं, क्योंकि मन शांत रहता है तो सब कुछ अच्छा ही रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, मिथुन राशि के जातक उनके लिए ये सप्ताह क्या संदेश लेकर आया है, कैसा लग रहे हैं उनकी कुंडली इस बार हफ्ते? मिथुन राशि वालों के लिए 29 अप्रैल से 5 मई तक का सप्ताह थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। किसी प्रियजन द्वारा मानसिक उलझन व तनाव बना रहेगा, वाहन धीमी गति से चलाएं, चोट लगने की संभावना बन रही है ये सप्ताह, और किसी वाद विवाद में न पड़ें। कारण क्या है, जो मिथुन राशि इस समय ये सप्ताह जो है बुध कमजोर स्थान पे बैठा हुआ है, जिसके कारण आपका मन का जो संतुलन है थोड़ा बिगड़ा रहेगा। इसलिए अपने साथ अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपने परिवार से बातचीत करके रखें, जिससे कि ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके कार्य जो है बहुत सरलता से आपका ये सप्ताह निकलेगा। फिर भी ये सप्ताह अपने आप को कोई उपाय करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो हरे रंग के वस्त्र धारण करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध है और बुध कमजोर है, तो हरे रंग के वस्त्र अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, तो उपाय भी हम लगातार आपको बता रहे हैं ताकि अगर कोई समस्या हो तो छोटे छोटे उपाय हैं, कोई भी कर सकता है। आगे बढ़ेंगे कर्क राशि, इनके लिए ये जो सप्ताह है क्या पैगाम लिख रहा है, क्या कह रही है इनकी कुंडली? कर्क राशि वालों के लिए 29 अप्रैल से 5 मई तक का समय अनुकूल रहेगा। पूरा सप्ताह नए महत्वपूर्ण कार्यों को करने की योजनाएं बनाएंगे, निर्णय बिल्कुल फलीभूत होगा और आय के साधन आपके जो है सो बहुत सुंदर है। व्यवस्था के हर तरह से जो है सो परिणाम आपके लिए अच्छा बन रहा है। परिवार को आप समय दे पाएं, क्योंकि पीछे आप समय नहीं दे पा रहे थे, अगर आप परिवार को समय देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कर्क राशि वाले। और कोई उपाय करना चाहते हैं आप, तो चांदी की कोई वस्तु आप अपने गले में या हाथ में धारण करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके राशि की जो चंद्रमा स्वामी है वो चंद्रमा है,
और चांदी की वस्तु अगर आप धारण करते हैं तो आमदनी की साधन भी अच्छी रहेगी और आपका मन भी बहुत तरह का शांत रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके मन बहुत लगेंगे अगर ये चीज आप ये उपाय आप करते हैं कर्क राशि वाले। तो बिल्कुल, तो आपके लिए समय अच्छा है और कैसे और अच्छा बन सकता है वो उपाय हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे सिंह राशि, इनके लिए आप क्या कहेंगे? जी मैं सिंह राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा 29 अप्रैल से 5 मई तक का सप्ताह थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है। दूसरों की बात में आकर के अपनों से वाद विवाद में नहीं फंसे, कारण कई बार ऐसा होता है जो किसी के बात पे थोड़ा सा भरोसा कर लिया तो अपने परिवार के अंदर में कुछ दिक्कतें आने लगती है। अपने आप पे नियंत्रण रखें और इस सप्ताह अगर आप अपने आप को नियंत्रण रख कर के काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और नहीं तो स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा बिगड़ने की संभावना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति की बात अगर हम करते हैं सिंह राशि वाले, तो आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक रहेगी, मजबूत रहेगी। फिर भी अपने आप को अगर कोई उपाय करना चाहते हैं, इस सप्ताह मजबूत बनाना चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन माथे पे पीले चंदन की टिक्का लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आपको टीका लगाना है और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ेंगे कन्या राशि के लिए, आप क्या कहेंगे आचार्य जी? कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह 29 अप्रैल से 5 मई तक का समय उत्तम रहेगा। प्रारंभ में ही धन लाभ का कार्य क्षेत्र में उन्नति और सफलता प्राप्त हो रही है, धन लाभ का योग बन रहा है, शत्रु पर आपका विजय का योग बन रहा है इस समय, और ये सप्ताह के मध्य में नए व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी और एक नए काम की योजना भी बन रही है। अगर फिर भी अपने आप को कोई मजबूत करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन माथे पे हर प्रकार से मैंने आपको कहा जो जैसे चंदन की टीका लगाएं या केसर की तिलक लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आपके मन में बहुत तरह की शांति मिलेगी और आपको तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी, और ये सप्ताह आपका और जो अच्छा था उसमें और अच्छा हो जाएगा, आपका बहुत सुंदर मिलेगा। इसलिए विशेष तौर पे आप ये कन्या राशि वाले ध्यान रखिए। बिल्कुल, तो आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का, और इसी से जो होता है आप बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप जिंदगी में बड़ी चीज़ें धैर्य से और डिसिप्लिन से हो सकती हैं। आगे बढ़ेंगे तुला राशि के लिए, आप क्या कहेंगे? मैं तुला राशि वालों के लिए कहना 29 अप्रैल से 5 मई तक का समय आपका बड़ा व्यस्त रहेगा। कार्य क्षेत्र गति में रहेगा, रफ्तार में आप जो है सो चलेंगे, अधिक से अधिक काम का सहयोग आपका बनेगा और धन लाभ की जो है स्थिति बनी हुई है, आपकी अच्छी बनी हुई है, पूरी तरह से जो है सो आपको धन की प्राप्ति रहेगी। देखिए फिर भी अपने आप को मन पे, देखिए मैं हर राशि में ये सप्ताह आपकी मन की बात किया हूँ, कारण क्या है कुछ चीज़ों का बदलाव आया तो मन पे किसी भी प्रकार की बोझ न बनने दें, जिससे कि आपको तुला राशि वाले थकान महसूस हो। क्या कारण क्या है, जैसे कि अगर आप काम काज पे नौकरी से या व्यवसाय से घर पे आप जाते हैं तो आपको ये सप्ताह अधिक थकान महसूस होगा, तो आप मन पे किसी भी प्रकार की ज़्यादा वजन नहीं बढ़ने दें, तो जिससे आपको थकान महसूस ना हो और आपको ये सप्ताह बहुत सुंदर तरीके से निकल जाए। फिर भी ये सप्ताह तुला राशि वाले, अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो उपाय करना चाहते हैं कुछ भी, तो लाल वस्त्र लेकर के उसमें लाल वस्त्र को नारियल को लाल वस्त्र में बांध लीजिए और अपने आप को मंगलवार या शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन जल में प्रवाह कर दीजिए तुला राशि वाले, तो आपके लिए इस सप्ताह के अंदर में धन की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी रहेगी, आमदनी का जो सूत्र है वो आपको अच्छा रहेगा। और मैं एक स्पेशल चीज़ कहना चाहूँगा, जो काफ़ी दिनों से आपका पेमेंट कहीं रुका हुआ था तो अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो आमदनी का सोर्स आपका बन जाएगा, वो पेमेंट आने की जो है संभावना आपके लिए अधिक हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा ये रहता है कि धीरे धीरे आपके रुके हुए काम आगे बढ़ते रहें और समस्याएं खत्म होती चली जाएं, इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। आगे बढ़ेंगे वृश्चिक राशि, इनके लिए आप क्या कहेंगे आचार्य जी? वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा 24 अप्रैल से 5 मई तक का सप्ताह ठीक ठीक रहेगा, किसी से भी मन मुटाव नहीं रखें, ये सप्ताह थोड़ा सा
इसका कारण बन रहा है। आपका मन जो है ना थोड़ा प्रेरित रह सकता है। देखिए कामकाज तो आप करेंगे लेकिन मन में ना चिंता बहुत तरह के रहेगा और सप्ताह के अंत तक आर्थिक तंगी थोड़ी सी देखी जा सकती है, लेकिन फिर भी आप अपने मन को थोड़ा नियंत्रण रखें और देखिए साथियों के साथ में, मित्रों के साथ में, परिवार के साथ में जो वृश्चिक राशि वाले हैं, आप तालमेल अच्छा बना करके आप रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में थोड़ा सा मन जो चिंताजनक है वो चिंताजनक आपको दूर हो जाएगा और बातचीत के दौरान आपका हल हो जाएगा। कई बार क्या होता है, कोई ग्रह आपके ऊपर में ज़्यादा प्रभावशाली बन रहा है तो आप अपने बातचीत के दौरान भी अपने ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और आपका समय अच्छा बीत जाएगा, उस पर आपका विशेष तौर पर ध्यान नहीं जाएगा। फिर भी अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, कोई उपाय करना चाहते हैं तो विष्णु भगवान के मंदिर में जा कर के भगवान विष्णु पे पीले पुष्प चढ़ाएं। पीले पुष्प चढ़ाने से आपको लाभ मिलेगा और आपके धन में बरकत दिखेगी आपको। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे धनु राशि की हम बात करेंगे। आचार्य जी, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए मैं धनु राशि वाले के लिए कहना चाहूँगा, धनु राशि के स्वामी गुरु है, 24 अप्रैल से 5 मई तक का सप्ताह बड़ा खुशहाल रहने वाला है। देखिए पीछे से जो भी समय आ रहा होगा लेकिन ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्राकर्म में बहुत वृद्धि के योग है और यदि वाणी में निरंतर नहीं रखते हैं तो आए हुए हाथ में पैसे भी आपका खो सकता है, गिर सकता है। तो विशेष तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा, जो आप अपने आप को विशेष तौर पे वाणी पे निरंतर रखिएगा, क्रोध नहीं करिए। क्रोध करने से परिवार के अंदर में भी आपका वाद विवाद होने का संभावना बन सकती है और अगर कोई नए समाचार आप प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन के अंदर में कोई नई खुशी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखिएगा, प्रसन्न रखिएगा। अगर आपका मन प्रसन्न होगा तो निश्चित तौर पे एक अच्छी सफलता आपको मिलेगी। फिर भी ये सप्ताह अपने आप को ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप लक्ष्मी माता के मंदिर में हल्के रंग के जो वस्त्र हैं वो आप चढ़ाइए, वस्त्र उनको पहनाइए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। देखिए जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये उपाय सब बहुत छोटा छोटा है लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये मैं बताता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जो आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, मकर राशि की बात करने वाले हैं आचार्य जी, अब इनका नंबर है, बताइए। मैं मकर राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा ये सप्ताह आपके लिए बहुत खास रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका अहम भूमिका रहेंगे, आपके द्वारा किए गए कार्य सिद्ध होंगे, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, मान सम्मान आपको मिलेगा। परिवार के समय नहीं दे पा रहे थे तो निश्चित तौर पे आप इस सप्ताह परिवार को समय देंगे और ये सप्ताह आपको बहुत तरह के, इस सप्ताह के अंदर में आपको बहुत तरह के मौका मिलेगा। और मकर राशि वाले के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए बहुत दिनों से प्यार प्रेम में या रिलेशनशिप के अंदर में कोई दिक्कत या परेशानी चल रही थी तो इस समय शनि आपके स्वयं के स्थान में आने से और शनि किस राशि पे, तो तुला राशि पे भोग करने से ये सप्ताह आपके प्यार प्रेम के अंदर में, रिलेशनशिप के अंदर में, परिवार के अंदर में बहुत अच्छा सफलता देगी। तो ख़ास तौर पर इस तौर पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आप अपने आप को इस सप्ताह में अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा भगवान विष्णु की या हनुमान जी की विशेष तौर पे आप सेवा करिए या उनकी पूजा पाठ करिए तो ये सप्ताह आपके लिए और अच्छा बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुंभ राशि की हम बात करेंगे, इस राशि के जातकों के लिए आप क्या कहेंगे आचार्य जी? मैं ये कहना चाहूँगा इस सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए, देखिए बहुत दिनों से ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा था, कुछ हफ्ता ऐसा रहा जिसमें आपको सप्ताह के अंदर में कुछ दिक्कतें उठानी पड़ी है, लेकिन ये सप्ताह मैं कहना चाहूँगा जो ये सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए आपके लिए बहुत बेहतर है। कारण कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी, व्यवसाय के अंदर में आपको तरक्की मिलेगी और बहुत दिनों से अगर आपका माल रुका हुआ था, आपको सेल नहीं हो रहा था तो मैं कहूँगा आपका माल में आपका सेल भी होगा व्यापार के अंदर में और व्यापार के अंदर में आपको बहुत तरह के सफलताएं मिलेगी। लेकिन फिर भी
कुंभ राशि वाले, देखिए आपके राशि की जो स्वामी है वो शनि है। अपने आप को जल्दबाजी ना करिएगा किसी काम को लेकर के, जल्दबाजी करने से आपको बचाव करके रखना है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो थोड़ी दिक्कत रहेगी आपके लिए, नुकसान होने का संभावना बन सकता है, इसलिए आप जल्दबाजी नहीं करिएगा और सफलतापूर्ण आपके ये सप्ताह बीतेगा और बहुत सुंदर आपको लाभ मिलेगा। फिर भी ये सप्ताह अगर आप कोई उपाय करना चाहेंगे तो मैं कहना चाहूँगा बजरंग बली पे अगर आप मीठे पान लगा करके बजरंग बली को श्री चरणों में अगर आप अर्पण करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कुंभ राशि वाले। आगे बढ़ेंगे मीन राशि की हम बात करेंगे। सबसे आखिर तक इस राशि के जो जातक हैं उनको इंतजार करना पड़ता है, तो बता दीजिए उनके लिए हफ्ता क्या अच्छा रहने वाला है। देखिए बिल्कुल सही है, मैं ये देखिए कहना चाहूँगा मीन राशि वालों के लिए, देखिए 2024 जैसे प्रारंभ हुआ है तो मीन राशि वालों के लिए बहुत तरह के फायदा हुआ है। देखिए बहुत तरह के ग्रह मजबूत स्थान पर बैठे हुए हैं और 2024 का जो साल है ये बहुत अच्छा है। परंतु मैं ये इस सप्ताह के अगर बात करता हूँ तो मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा कमज़ोर है, कारण आपका मन इस सप्ताह जो है सो थोड़ा भटकेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा जो अगर नौकरी करते हैं व्यवसाय करते हैं तो विशेष तौर पे मीन राशि वाले थोड़ा ध्यान पूर्वक नौकरी या व्यवसाय करिए, कारण आपका धन नुकसान होने की संभावना बन रही है। और रिश्तेदारों से उलझिएगा नहीं, कारण क्या है इस समय जैसे कि गुरु आपके राशि का स्वामी है तो गुरु के साथ इस समय शनि का तालमेल बैठा है, तो थोड़ा सा क्या होगा रिश्तेदारी में समाज के अंदर में टकराव होने की संभावनाएं बन रही है। तो अपने आप को मीन राशि वाले थोड़ा बचा करके चलिए, कारण क्या है शनि और गुरु का टकराव अगर होता है तो रिश्ते को खराब करता है। देखिए प्यार प्रेम की अगर बात है तो अगर कुछ सुनना पड़ जाए तो सुन लीजिए, सुनने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। परंतु ये है जो ये सप्ताह आपका निकल जाएगा तो मीन राशि वाले आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा इस सप्ताह अनुकूल बनाने के लिए अगर अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, मन अगर आपका विचलित रहता है तो उस परेशानी को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो विशेष तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा जितना हो सकता है आप गाय की सेवा करिए। अगर आप गौ की सेवा करते हैं तो निश्चित तौर पे ये सप्ताह तो आपके लिए अच्छा बीतेगा ही, लेकिन आने वाला समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा बीतेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो तमाम राशियाँ हैं उनके हिसाब से हमने बताया है कि ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, सप्ताह आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। यहाँ पर आचार्य जी मैं चाहूँगी, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है लेकिन आप कुछ टिप हमेशा देते हैं आप, तो हम ये जानना चाहेंगे जो मेन गेट है, हम वास्तु से जुड़ी हुई कुछ ये जानना चाहेंगे आपसे, जो मेन गेट होता है आपके घर का क्या उस पर हम कुछ कर सकते हैं, कोई तरीका जिससे सब चीज़ें अच्छी अच्छी हों घर में। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए समझने की बात है और बहुत ज्ञान की बात है, छोटी सी बातें मैं ये कहना चाहूँगा जो जिसका गुरु कमज़ोर है और जिसका शनि कमज़ोर है, या मान लीजिए ग्रह सब अच्छे हैं, आमदनी का जो साधन है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार में फिर भी किसी न किसी भी प्रकार की दुविधा लगा रहता है, मन अशांत रहता है, तो हो सकता है घर के अंदर में कोई वास्तु का जो है सो दोष लगा हुआ हो। भाई आमदनी में कोई कमी नहीं, ग्रह भी आपके बहुत सुंदर हैं और किसी भी प्रकार की जो है कहीं पे भी आप कोई दिक्कत भी नहीं होने दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी आपका मन बहुत अशांत है, फिर भी आपके घर में जो है सो क्लेश चल रहा है, फिर भी बहुत दिनों से कोई परेशानी आ रही हो, अचानक कोई परेशानी आ जाना, मान लीजिए उसका कहीं दूर दूर तक किसी से भी कोई संबंध नहीं था, कहीं से भी कोई लेना देना नहीं था और अचानक ऐसे परिस्थिति बन जाना, तो कई बार घर के अंदर में वास्तु दोष के कारण भी ये प्रभाव पड़ जाता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जातकों को मैं ये कहना चाहूँगा, देश दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए, मैं कहना चाहूँगा कि देखिए
बहुत छोटा सा उपाय है। अगर घर में किसी भी प्रकार की कोई वास्तु दोष है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, एक तो कोई कटीले पदार्थ का कोई चीज़ हो तो मेन द्वार पे गेट के सामने नहीं रखना चाहिए, और जैसे कि पौधे भी कोई हो कटीला जिसमें कांटे हो तो मेन गेट के सामने नहीं रखिए। इससे क्या होगा, आपका सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक कोई ना कोई समस्याएँ आ सकती है। घर के मेन द्वार के आसपास में जैसे कोई कैंची हो गया या कोई चक्कू हो गया, ऐसे भी कोई वस्तु नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए कोई दराज बना हुआ है, आपने उसमें रख दिया। तो देखिए, जब ग्रह कोई खराब होता है, कमजोर होता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, तो आपस में झगड़ा होने लगेगा, आपस में तालमेल में खराबी आएगी, या कहीं से कोई ऐसा मैसेज आएगा जो आपका उससे कोई लेना देना नहीं था लेकिन कोई ना कोई दिक्कतें आ गई। तो ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा परहेज करके अगर आप चलिएगा तो वास्तु के लिए अच्छा है। फिर भी मैं एक छोटा सा उपाय देना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा हर जातकों के लिए, जो शनिवार के दिन और वीरवार के दिन हल्दी पिसी हुई थोड़ा सा लेकर के संध्या काल में अपने गेट पे छिड़क दीजिए गुलाल के साथ, जैसे खुशबू वाला गुलाल होता है ना, उसके साथ छिड़क दीजिए और मॉर्निंग में सुबह साफ कपड़े से उसे साफ कर दीजिए। देखिए करके आपके घर में कितना बरकत मिलता है और बहुत तरह के सुख शांति आपको मिलेगी और बहुत तरह के आपको फायदे होंगे ये उपाय करने से। जी बिल्कुल, तो ये सारी तमाम बातें हमको आचार्य जी ने बताई हैं, साथ में वास्तु से जुड़ी हुई टिप भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है घर में, इसी वजह से हम आपको ये बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, तमाम जानकारियाँ हमारे साथ साझा की हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद जी। तो हमारे इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।